लो जहर बारसीन और खत्म कर दो खुद को। अलेक्जेंडर के हाथों से मरने से खुदकुशी करना बेहतर है। जब मैं मरना चाहती थी तब आप लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया। अब मैं देखना चाहती हूं कि अलेक्जेंडर किस हद तक जाता है। दिन रात इसी प्रकार निगरानी में सज रही है सेनापति जी। शत्रु को यह ज्ञात हो जाए कि हम हर समय हर दिशा से अपनी सुरक्षा में सज हैं। जहां तक शत्रु की दृष्टि जाए वहां तक हमारे सैनिक तैनात रहें। उनकी अड़चाल के पीछे हमारी दृष्टि रहेगी। हमारी सेना को टुकड़ियों में बांट दीजिए सेनापति जी। आज मैं स्वयं उन्हें प्रशिक्षण दूंगा। जब तक कुछ टुकड़ियां यहां तैनात रहेंगी बाकी टुकड़ियां मेरे साथ होंगी। अस्थि और अंबी कुमार इसमें मेरा साथ देंगे। क्या सूचना लाए हो अस्थि? तुम्हारा संदेह उचित था पुरो। ये देखो यहां से तक्षशिला गुप्त पत्र भिजवाए जा रहे हैं। ये पत्र मैंने पहुंचने से पहले ही रुकवा दिया। हमारे मध्य कोई ना कोई तो विश्वासघाती है जो हमारी ओर से अलेक्जेंडर के पास सूचना भिजवा रहा है। वो जो कोई भी है हम शीघ्र ही उसे पकड़ लेंगे। मुझे तो कुछ नहीं पता कि इस अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी दोनों माएं आज मेरे साथ जो नहीं, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप यहां हो। ईश्वर ने मानो आपको मेरे लिए ही यहां भेज दिया हो। अब आप ही बताइएगा कि मुझे मेरे और मेरे होने वाले शिशु का ध्यान कैसे रखना है। कोई बड़ी समस्या नहीं है प्रारंभ के कुछ माह, बस सावधानी बरतनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम केवल स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण करो, वो भी बिना किसी लापरवाही। तो फिर मैं क्या खाऊं? इस बूटी के बारे में मुझे महारानी ओलंपिया से पता चला। इसे यवन उपयोग में लेते हैं, इसलिए इसके बारे में यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। है तो ये औषधि, किंतु किसी गर्भवती को दे दी जाए तो तुरंत गर्भपात हो जाता है। देखने में तो पुदीने जैसी लगती है। वही तो, हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा। मैं इसे गर्म पानी में मिला के लाची को दे दूंगी और फिर तुम्हारे प्रतिशोध का प्रारंभ होगा। तुम्हें इस पुदीने को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। ये माँ और होने वाले शिशु दोनों को रोगों से बचाता है। मैं अभी बना के लाती हूँ।
आप कष्ट क्यों कर रही हैं मामीश्री? मैं अभी किसी दासी को बोल देती हूँ, वो तुरंत ले आएगी। इसमें कष्ट कैसा पुत्री, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। अपना काम ठीक से नहीं किया तो अम्बी कुमार क्रोधित हो जाएगा। मैं आती हूँ। अरे मेरी मटकियां फोड़ दी, मूल चुकाना पड़ेगा। मूल चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। हमारी मटकियों का मूल चुकाना पड़ेगा। मुझे तुमसे मिलना है पोरस। अरे वीरो, ये भाला यवनों का है। इसकी विशेषता इसकी लंबाई है। शत्रु तक पहुंचने से पहले ये उसका नाश कर देता है। भाले से अधिक घातक इसे थामने वाला वो शत्रु है। जब तक उसकी चाल को पहचान कर उसका नाश नहीं कर देते, तब तक मातृभूमि की रक्षा करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अपने पीछे खड़े से सावधान रहना चाहिए पुरु, पर यह सीख जब तक तुम समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। तुमसे मेरी मुलाकात तय है पोरा। आज तक तुमने अलेक्जेंडर को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन अब मैं उसे खरोंच तक नहीं आने दूंगी। यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। शातिर हो, तेज दिमाग भी, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए बारसी कि आज मैं पुख्ता करने वाला हूं कि फारसी कभी मेरा साथ छोड़ने की सोचे भी ना। अब लग रही हो ना मलिका, वो मलिका जिसे मैं वो किस्सा सुनाने में दिलचस्प हूं। मेरी मां ने मुझसे पूछा था बारसी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। ये किस्सा उन्हें सुना नहीं सकता था क्योंकि वो खुद इस किस्से की एक अहम किरदार है। औरतें कितनी ताकतवर हो सकती हैं, ये मैंने मेरी मां को देखकर जाना। और उस औरत को कैसे कुचला जा सकता है, ये मैंने मेरे वालिद शाह फिलिप के किस्से से जाना।
और अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो कुछ सालों पहले मेरे वालिद ने किया था। जानना चाहोगी उन्होंने मलिका को खामोश रखने के लिए क्या किया था? उन्हें खामोश करने के लिए उन्होंने मलिका को एक औलाद दे दी। और उसके बाद मलिका को यह एहसास हो गया था कि उनके पास मैसेडोनिया के वफादार रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी पा नहीं सकते अलेक्जेंडर। मलिका ओलंपिया को भी यही गलतफहमी थी बारसी, जब उन्होंने मेरे वालिद को बेइज्जत किया। और तुम्हारी गलतफहमी भी मैं वैसे ही दूर करूंगा जैसे उन्होंने उनकी की थी। तुम्हारे जैसे हैवान की औलाद नहीं चाहती हूं मैं। तो वो जहर खा लो जो अपनी मुट्ठी में छिपा कर रखा है। तो मैं अच्छे से जानता हूं भाजी, अब तुम्हें यहां कोई खंजर तो मिलेगा नहीं जिससे तुम मेरी जान ले सको। तो बेशक इन हालात में जहर के सिवा और क्या छिपा सकती हो तुम? तुम्हारी ये कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो मैं भी जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी कोशिश है जिसमें सियूस का बेटा कामयाब नहीं हो सकता। तिलमिला क्यों रही हो मार्सी? कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारा शौहर हूं, इतना हक है मुझे। एक बार जैसे ही तुम मेरी औलाद को जन्म दोगी मुझे लेकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ कदम और फिर मैं पौरव मुल्क में दाखिल हो जाऊंगी।
क्या सूचना लेकर आए हो? सीमा प्रहारियों से सूचना मिली है कि उन्होंने एक महिला को घायल किया है जो छिपकर तक्षशिला की ओर से कौरव राष्ट्र में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रही थी। एक महिला तक्षशिला से छिपकर यहाँ आ रही थी, कोई पहचान उसकी? वस्त्रों से तो तक्षशिला की दासी प्रतीत होती है, किंतु उसका व्यवहार संदेहजनक था, इसलिए उसे घायल कर दिया गया। सवार करते रहो। केवल घायल हुई है या इस समय मूर्छित है? किंतु उसकी स्थिति देखकर लगता है कि उसके पास अधिक समय नहीं है। कहाँ वो? उस दिशा में। तक्षशिला से यहां कौन सी महिला आई होगी, वो भी छिपकर? रॉक्सीन, ये यहां क्या कर रही है? अच्छा युवा जो ये मरने वाली है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर को ज्ञात होगा कि रॉक्सेन की हत्या पौरव सैनिकों ने की है, तो पुरु का अंत निश्चित है। ये इस घाव से मर जाए तो तुम्हें अलेक्जेंडर के ताव से कोई नहीं बचा पाएगा पुरु। ये तुम्हारे और होने वाले शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।